हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और देखिए, मैं आज अपने गार्डन में आई हूँ, तो देखिए मेरी जो लोबिया है ना, उन पर इस तरह का एक कीड़ा लग गया है। और ये जब बरसात शुरू होने वाली होती है तो ये प्रॉब्लम आ जाती है सब्जियों में। तो ये और भी सब्जी में आती है, जैसे बैंगन में, करेले में और जो बेल आपकी होती है उनमें। तो फ्रेंड्स, मैंने एक पेस्टिसाइड बनाया है। तो देखिए आप, जो मेरे गार्डन में कीड़े हैं ना, तो फ्रेंड्स मैंने उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड बनाया है। तो मुझे लगा चलो मैं भी इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो देखिए, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने जो गार्डन में है ना, केमिकल वाली चीज़ें बिल्कुल यूज़ ना करूँ। मैं जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं वही मैं यूज़ करूँ। तो चलिए देख लेते इसे कैसे बनाना है। इसके लिए हमें चाहिए विनेगर, मिर्ची, और ये मैंने इसमें कुछ पुदीना लीव्स भी डाल दिए, और ये लहसुन, और ये हल्दी। तो मिर्ची आप सूखी या हरी कैसी भी ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये जो मिर्ची थी इनको दो टुकड़े में इस तरह से तोड़ लिया अच्छे से। तो सभी मिर्चियों को ऐसे ही तोड़ लेंगे हम लोग। तो दूसरे तरफ हमने जो कढ़ाई में है ना पानी गर्म करने रख दिया है, तो इसमें हम जो हमने मिर्चियाँ रखी हैं काट के, उनको हम डाल देंगे। इसमें ऐड कर दिया हमने लहसुन। लहसुन को हमने कूट लिया था थोड़ा थोड़ा। इसमें हम ऐड कर देंगे हल्दी। हल्दी हमने इसमें 2 चम्मच ऐड करनी है, क्योंकि जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा होगा। तो हम लोग इसको अच्छे से बना लेते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छे से उबाल आने देंगे, और जब उबाल आए तो इसमें हम लोग जो है विनेगर डाल देंगे। विनेगर आप कम से कम 3 से 4 ढक्कन डालें। तो इसे तब तक पकाना है जब तक इसकी जो मिर्ची है ना वो सॉफ्ट ना हो जाए अच्छे से। तो हम इसे अच्छे से पका लेते हैं, और इसको जब ये मिर्चियाँ सॉफ्ट हो जाए तो इसे बंद कर दें। तो जब ये बैटर ठंडा हो जाए तो इसमें चम्मच से इस तरह से इसको थोड़ा हमें घोटना है, ताकि जो मिर्ची का तीखा बने और ज़्यादा इस मिश्रण में आ जाए। तो छानते हमें इसे छान लेते हैं, और छानते समय ध्यान रखें कि इसे हमें बिल्कुल बारीक छानना है, बारीक छन्नी से छानना है, क्योंकि हमें इसे स्प्रे बोतल में डालना है। तो स्प्रे बोतल में जो उसकी नली है उसमें फंसना नहीं चाहिए कुछ भी, नहीं तो स्प्रे नहीं करेगा। तो इस तरह से हमने बिल्कुल अच्छे से छान लिया है। तो फ्रेंड्स, जो ये बच्चे आप इसको फेंके नहीं, इसका आप अच्छे से चटनी बना सकते हैं। तो मैं भी इसकी चटनी बनाऊंगी, मैं इसे फेंक नहीं रही हूँ। तो हमारा पेस्टिसाइड बनके तैयार है। देखिए मैंने थोड़ा सा लिया है, तो आपको मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से रेशियो उसका रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ये होता है, तो एकदम हार्ड इसको यूज़ ना करें। तो आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा लिया है। तो हमने बिल्कुल थोड़ा लिया है, ग्लास से 1/4 से भी कम। तो अब इसमें फुल ग्लास पानी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। तो रेशियो आपको समझ आ गया होगा कि हमको 1/4 अगर हम लोग पेस्टिसाइड ले रहे हैं तो हम उसमें 1 पूरा ग्लास भर के हम उसमें पानी डालना है। तो हमारा पेस्टिसाइड बिल्कुल बन के तैयार है। अभी आप इसे स्प्रे कर सकते हैं। जिन भी प्लांट में कीड़े की प्रॉब्लम आई है तो आप उनमें इसे स्प्रे कर सकते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा हार्ड आपको स्प्रे नहीं करना है, जैसे मैंने आपको रेशियो बनाया बताया, आपको इसी रेशियो में इसको स्प्रे करना है अपने प्लांट्स पे। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताएं, एंड पेस्टिसाइड बना के ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, और मुझे कमेंट ज़रूर करें। एंड फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और हाँ, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।